दशरथ जी के बेटे राम कर चार मिलजुल कर रहते थे, उनमें था बहुत ही प्यार। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने पहुँचे साथ, खेल कूद कर बड़े हुए बीते बचपन के साल। प्रभु जी ब्याह रचाए, जनक सुपुत्री को अपने संग अयोध्या लेकर आए। अयोध्या नगरी में चहु ओर था हर्ष और उल्लास। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, माता सीता की। माता कैकेयी हट कर बैठी, राम जाए वनवास। महाराज, आपने मुझे दो वचन दिए थे, आज उस वचन को पूरा करने का समय आ गया है। हाँ हाँ देवी, मांगिए। आज तो मैं अपने प्राण भी दे दूंगा। तो मुझे पहला वचन ये चाहिए कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। मुझे भी साथ ले चलिए। उनको जब वनवास हुआ, मन सीता का उदास हुआ। उनको जब वनवास हुआ, मन सीता का उदास श्री राम और लक्ष्मण सीता के संग पंचवटी में आए। सीता देखे स्वर्ण मृग और मन ही मन ललचाए। रंग सुनहरा मृग अति सुंदर सीता मन को भाए। हट कर बैठे कोई जाके मृग को लेके आए। रघुवर प्रेति सीते रघुवर धीरज उन्हें धराए। मंद मंद मुस्काते ही रघुवर धनुष पे वाण चढ़ाए। जग को पकड़ने छोड़ के काम वन वन घूमे थे श्री राम। अंत में मारा जब मृग को, जाना कि सब चल था वो। हाँ लक्ष्मण, बचा मुझे।
पुकारा था उसने, सुन के सीता हुई परेशान, छल से बिल्कुल थी अनजान, बोली भैया जाओ अभी, मन को आए नहीं आराम, नाथ है निश्चित संकट में, रखो तुम कर्तव्य कमान, जाओ तुम जग में है ने, दिए आदेश सीता ने, सीता की रक्षा के लिए खींची रेखा लक्ष्मण ने, बोले उनसे छोड़ के द्वार, जाना मत रेखा के पार, परंतु सफल हुई मारी चिकचाल, आया रावण साधु वेशदार। भिक्षां देहि भिक्षां देहि, प्रणाम मुनिवर। आप घर के अंदर से ही भिक्षा देंगी, बाहर आकर भिक्षा दीजिए देवी, अन्यथा मैं जाता हूँ। नहीं नहीं मुनिवर, रुकिए, मैं आती हूँ। लक्ष्मण भैया, कहाँ है आप? भैया लक्ष्मण, राम ने अंत में युद्ध जीता, मिल गई उन्हें